दविंदर सिंह जी मुकेरिया तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के मुख्य सेवादार है। आप भी थोड़ी गलबात कराने मुकेरिया तो चल के अज इतने आए हुए हैं। दविंदर सिंह जी वाहिखालसा भाई फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी की कहना चाहते हो जी, की लगता थानू तो सरकार समा मंगती है, फिर समा मंगती है, फिर समा मंगती है, इंसाफ नहीं मिल रहा, 7 वरे बीत चुके हैं। बिल्कुल जी, ये सरकार जी हैगी पहला तो जिले पंजाब नहीं सी, पहला कांग्रेस सरकार सी, पहला ये मुद्दे तो ये चोणा जिते आ फिर सिखा कह के भी जी बेअदबी का जो मसला मैं एक महीने च पूरा कर देंगा, पर हूँ भी 2-3 महीने जोड़े है वो निकल गया टाइम इन्हों का, कोई इन्होंने जोड़ा है सानू इंसाफ नहीं दिता। तो इतने साडे भाई सुखराज सिंह बैठे आ घट्टो घट भी उन्होंने भी 6 महीने होने लगे बैठे, तो 6 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, कोई सरकार ने मतलब ये कोई सानू इंसाफ नहीं दिता। चलो अज भाई सुखराज सिंह ने अज 31 तरीक जी कौम को अकाल दिती ही, जो भी अज स्टेज पर जो गलबात होनी है तक हुई नहीं, तो वो आप जी ने मीडिया फिर दोबारा दस की लगता तो भाई मन च कुछ चलता ही होगा भाई कि फैसला होना चाहिए थोड़े तो हिसाब देना, अगर रणनीति कि होनी चाहिए थोड़े की विचार ने? मेरा जो देखो जी, मेरा तो यह है भी जोड़ा भाई गुरजीत सिंह भाई किशन पवार सिंह जिन्हों का सरकार ने पंजाब पुलिस ने कतल किया, बिल्कुल उन्होंने इस तरह भी सज़ा मिलनी चाहिए आ, उन्होंने भी परचे दर्ज हो के जिहड़ा कतल का जिहड़ा मुकदमा आ, जिहड़े पंजाब पुलिस के जिहड़े वड्डे अफसर आ ये चलाई जिहड़ी गोली आ, आपां भी उस टाइम मौजूद सीगे 2015 जिले कोटकपुरे विच जिले गोली उत्थे पानी दीआं ब्रशां मारियां सीगियां, सिंघां नूं नितनेम करदे उठाया गया सीगा, ते इधरों 2 सिंघ जिहड़े शहीद कीते गए बहबल कलां विचों, ते वह जिहड़े शहीद जिहड़े अफसर ने जिहड़े पंजाब पुलिस दे छोटे पद्धर ते नहीं ये गोलियां चलाईयां, ये वड्डे वड्डे DSP रैंक IPS रैंक जो वड्डे वड्डे अफसर उन्होंने वालों ये गोलियां चला के साडे जिहड़े सिंघ शहीद जिहड़े गुरु का लंगर बरता रहे उन्होंने शहीद किया। आपां कहिंदे वी जिदा जिदा आम इंसान नूं जिहड़ी हैगी आ सज़ा मिलती उस तरह उन्होंने सज़ा मिलती जाए, पर ये चाहुंदे हैगे इदां पर उह नहीं अगले कुछ भी कर रहे तो फिर की होवे हुण अगे? फिर इदां आ फिर सिंघ जिहड़ा पहलां समें च लैंदे हुंदे सीगे वो हुण दस दिंदे गल भी पहले समय से जिदा फिर लेंदे हुंदे तो उस हिसाब नाल फिर सिंघ कोई साडे वर्गे होणगे जिहड़े मौके ते उन्होंने सज़ा देवांगे। बेअंत सिंह भी मारिया, इंदिरा गांधी भी नहीं बची, तो बचने ये भी है नहीं। वाकई मैं लगता कि इतों तक भगवंत मान पंजाब सरकार के इस वेले मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने जरूर ध्यान करना चाहिए हैगा कि इस तरह के दिन पंजाब ते पंजाब की धरती और पंजाब के लोगों ना विखने पैण, आप इदा चाहते हैं और समा रेंदे आ उन्होंने इंसाफ जिहड़ा हैगा वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वोटां तो पहला वो ये कहिंदे रहे आ कि आ मसले हैगे जी, नशियां दा मसला, गैंगस्टर दा मसला वो कहिंदे रहे आ, कि बेअदबी दा मसला पहल दे आ उहदे उप्पर आपां हल करांगे। अज उदों तो कहिंदे हुंदे सीगे कि सरकार बन जावे सरकार दे हत्थ 'च सारा कुछ हुंदा हैगा, आ घंटियां 'च हो जांदा जी, इदां कहिंदे हुंदे सीगे। हुण तां किन्ने घंटे बीत चुके सरकार बणी नूं, 4 महीने तों वध समां हो चुका हैगा, तू तुहाडे हाथ 'च सारा कुछ हैगा, जे नीयत होवे तां सारा कुछ कीता जा सकदा हैगा, सो उहनां नूं इह सारा कुछ करन दी जरूरत आ। आसे पासे तुसीं देख सकदे हो बहुत सारे सज्जण होर भी हैगे ने दूर दराडिया तो आए हुए ने भाई साहब जी, चलदा कुछ दिमाग 'च भाई महिंदर सिंह जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दास सीनियर मीत प्रधान दसूआ तो सरदार महिंदर सिंह जी, अकाली दल अमृतसर, एक बेनती करता है कि जे ये सरकार तो इंसाफ नहीं दिता जा सकता, जे ये सरकार जां सरकार दे आगू इंसाफ सिख पंथ नूं नहीं दे सकते, हाथ खड़े करके अस्तीफे दे देण ते एक गल मन लैण ते इस पंथ नूं जिम्मेवारी दे देण। 7 साल नहीं, फिर इन्हां ने 7 साल विच इंसाफ नहीं दिता, सिख पंथ अपनियां रवायतां अनुसार 7 दिनां विच उन्हां दोषियों नूं सज़ा देण दी जुरत रखदा है। ये याद रखण सरकारां कि जे 21 साल तक लंडन में जाके असी बैरी नूं सोध सकते हाँ तो सरकारां दे लोक मत भुल जाण कि सिख पंथ मर चुका है, मर नहीं दिता, ये मरिया नहीं, जदों जदों भी इस नूं तुसीं दबाउणा चाहिया ये दिन दुगनी रात चौगुनी करके उच्चा होया, इसने अपने बदले 10-10 के लै आ। 84 का इतिहास दुनिया के सामने है, संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वालिआं ने जदों सरकार ने
इंसाफ देने तो इनकार कर दिती। बेशक अकालिया की सरकार सी, फिर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ते उन्हां दे साथियों ने खालसियां ने गिण गिण के बदले सिख रवायतां अनुसार लै ते लैणे जाणदा है। इस सरकारां नूं ते हाकमां नूं याद कर लेना चाहिए है, सदा लई याद रखना चाहिए है। साडे लई सिर्फ सरकारां बदलियां ने, हाकम बदले ने, चेहरे बदले ने, सिख पंथ लई इन्हां दीआं ओह मारू नीतियां उही ने। ते इन्हां नूं एक बेनती ते चैलेंज भी है, इन्हां गल्लां तों इह आवाज आ जाण, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाकई जी सरकार नूं इह गल समझण दी जरूरत है। आ पिछे बोर्ड लगा हुआ तुसीं एक बार फिर पढ़ सकते हो जी, बेअदबी इंसाफ मोर्चा निरंतर जारी, मोर्चा निरंतर जारी है जी, पर समय की हुकूमत के कन्नों के उपर किसी भी तरह की कोई जूं नहीं सरक रही।